नमस्कार, मैं गौरी, आपका स्वागत है। सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप, वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां वन विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में भाकियू भानु सहित 70 पर FIR दर्ज की गई। और बात करेंगे गोंडा की, जहां मामूली सी कहासुनी ने बड़ा खतरनाक रूप ले लिया। बताएंगे कैसे रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में कार्यरत डॉक्टर ड्यूटी के दौरान दे रहे अपने प्राइवेट क्लिनिक पर सेवाएं। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। एटा में वन विभाग के कार्यालय पर लकड़ी ठेकेदार सहित 30 नाम दर्ज। भारतीय किसान यूनियन भानु के 50 लोगों पर FIR दर्ज है। ऐसे में जलेसर के तोप चौराहे पर वन विभाग कार्यालय पर तैनात वन रक्षक आशुतोष कुमार ने पुलिस को बताया कि सकरौली थाना क्षेत्र के महापुर में बगैर अनुमति UK लिप्टस के पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ों को लेकर कासगंज जनपद के ग्राम मुबारकपुर निवासी ठेकेदार उदल सिंह, उसके साथी देवेंद्र सिंह, सकरौली थाना क्षेत्र के नगला बक्स निवासी दलवीर सिंह के साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के 50 लोगों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान वन विभाग की तरफ से लोगों को काफी समझाया गया था, लेकिन वो नहीं माने। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का भी आरोप इन लोगों पर है। जलेसर थाने पर तैनात SI चंद्रशेखर त्रिपाठी ने बताया कि मामले की प्राथमिकी ठेकेदार सहित 3 नामजद व 50 किसान नेताओं के विरुद्ध दर्ज की गई है। फिलहाल मामले की विवेचना की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, आगे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मई को हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि सकरौली क्षेत्र के महापुर गाँव में कुछ वृक्षों का अवैध कटान कर दिया गया है। तो मौके पर जाके सुबह के टाइम पे हमारी पूरी टीम वहाँ पर मौके पहुँची, कुछ पुलिस बल भी हमारे साथ था। तो वहाँ पे जाके हमने पाया कि वहाँ पे लगभग 54 पेड़ों का यूकेलिप्टस के वृक्षों का कटान हुआ है, जो कि अवैध था। वहाँ पे कार्रवाई करते हुए जो भी लोग थे वहाँ पे, उनके खिलाफ FIR कराई गई है। जो लेबर थे वहाँ पे, उनके खिलाफ FIR कराई गई और विधिवत कार्रवाई पूरी की गई। अगले दिन फिर हमें फिर सूचना प्राप्त हुई दिनांक 17 को कि उसी क्षेत्र में और वृक्षों पर, जो बचे हुए वृक्ष खड़े हुए थे यूकेलिप्टस के, उनका भी अवैध कटान हो गया है। तो मौके पे हमारे SDO साहब के साथ पूरी वन विभाग की टीम और साथ ही कुछ पुलिस बल भी मौके पहुँचे, तो पाया कि सूचना सत्य है। वहाँ पे साथ में हमें मौके पे 2 यूकेलिप्टस की लकड़ी के साथ लगे हुए ट्रैक्टर भी बरामद हुए। तो उन ट्रैक्टरों को जब हमने खींचने की कोशिश करी और उसके विधिवत कार्रवाई कराने की कोशिश करी, तो वहाँ गांव के लोग, स्थानीय लोगों द्वारा और साथ में अराजक तत्वों द्वारा इस कार्य में बाधा डाली गई। पूरी टीम का घेराव करने की कोशिश की गई और महिलाओं द्वारा आगे करके थोड़ा सा अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई। तो इस चीज़ से निपटने के लिए हमने CO साहब की मदद ली गई, उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने 3 थानों की पुलिस बल पूरा वहाँ पर मौके पर। टीम के साथ में कोई क्षति भी पहुँचाई गई थी वहाँ पर? कुछ गाड़ियों की, जो अधिकारी गाड़ी रहते हुए, उनकी कुछ गाड़ियों पर टायर फाड़ दिए गए थे, जिसकी वजह से ताकि वो वहाँ से निकल ना पाए और उनको घेराव करने की कोशिश की गई थी। और साथ में जब कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही थी ट्रैक्टर खींचने की, तो वहाँ पे गाली गलौज और इस तरह के राजकीय कार्यों में बाधा डालने के प्रयास किए गए थे। तभी हमने फिर CO साहब से बात करके उनसे थोड़ा पुलिस बल वहाँ पर पहुँच हमको सहायता प्रदान करने की रिक्वेस्ट की थी। तो 3 थानों से पुलिस बल उन्होंने तत्काल हमें प्रोवाइड कराया और फिर जब वो पुलिस बल वहाँ पहुँचा, तो हमने दोनों ट्रैक्टरों को खींच कर थाना सप्लाई में जमा करते हुए विधिवत कार्रवाई की और FIR दर्ज की, जिसमें लगभग 30 लोग नामजद हैं और 40 से करीब लोग अज्ञात में, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी जो कार्रवाई है वह अभी भी जारी है। एटा से CNews संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर गोंडा के करनैलगंज से है, जहां मामूली सी कहासुनी ने उस वक्त खतरनाक रूप ले लिया जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घात लगाकर बांके से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। मामले की सूचना कोतवाली में दी गई है। पूरा प्रकरण मंगलवार रात 10 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। कोतवाली इलाके के ग्राम पंचायत रिवारी में किसी कार्यक्रम में भितिहा निवासी हीरालाल गोस्वामी व महादेव गोस्वामी पुत्र देवी प्रसाद गोस्वामी तथा कार्तिक गोस्वामी पुत्र महादेव गोस्वामी शामिल होने के लिए गए थे। तभी यहां के निवासी विनोद गोस्वामी, प्रदीप गोस्वामी, रामलखन, वीरू आदि से किसी बात पर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने बड़ा हिंसक रूप ले लिया।
धारदार हथियारों से लैस होकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। गांव वालों के हस्तक्षेप पर किसी तरह मामले को शांत कराया गया, लेकिन तब तक हीरालाल गोस्वामी व महादेव गोस्वामी तथा कार्तिक गोस्वामी गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए। गांव वालों ने किसी तरह घायलों को स्थानीय सीएससी पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर इमरान मोईद ने सभी का इलाज किया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के चलते सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायलों में हीरालाल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। कोतवाल निर्भय नारायण सिंह का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है, मौके पर पुलिस भेजी गई है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां भरुआ सुमेरपुर में बीती रात AK-47 गैंग के सदस्य ने अपने साथियों के साथ मिलकर वार्ड 16 के एक आवास में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए छेड़खानी की और घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ करके जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मौका मुआयना करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वार्ड संख्या 16 के निवासी इंद्रजीत सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में अवगत कराया है कि वो 20 मई को पत्नी के साथ लेकर मतदान करने अपने पैतृक गांव बड़ा का छार गया था। देर होने पर वहीं रुक गया। रात में AK-47 गैंग का सदस्य मयंक सिंह अपने एक दर्जन अज्ञात साथियों के साथ मेरे आवास में जा घुसा। घर पर पुत्री और बहू अकेली थी। उन्होंने पुत्री और बहू के साथ अभद्रता करते हुए छेड़खानी की और घर के बाहर खड़ी कार में जमकर तोड़फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर घटनास्थल का निरीक्षण करके कार्यवाही का आश्वासन दिया है। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है, मामले की जांच कराई जा रही है, जांच के बाद कार्यवाही होगी। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारी जल्दबाजी हुई कि मतलब हम चले गए थे कल वोट डालने गाँव, बीबी हम दोनों साथ चले गए। वोट डाला, वोट डालने के बाद वहीं रुक गए। इसके बाद मयंक और उसके साथी चार छः आठ आदमी गाड़ी चार पहिए लेके आए और हमारे घर में तोड़ फोड़ किया। हमारे बच्चे लोग निकले, उनसे बदतमीजी, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, तो बच्चे घुस गए लेकिन गाड़ी का तोड़ फोड़ कर गए। बैटरी निकाल, बैटरी दुनियादारी जाने कितना सामान हमारा तोड़ फोड़ अब सामने खड़ा है। बाकी ये AK-47 गैंग का आदमी हमें वही आदमी लेके सब टोटल पूरा काम किया। बच्चों के साथ छेड़खानी की? हाँ, छेड़खानी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर हरदोई के कोथावा से है, जहां बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में प्रतापनगर सीतापुर मार्ग पर बधहा गांव के पास स्कूटी सवार मां बेटी को डीसीएम ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल मां को बेटे के साथ सीएससी कोथावा ले जाया गया। सीएससी में मां को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बेटे का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई। मृतका प्राथमिक विद्यालय उलझा में सहायक अध्यापिका थी और रिश्तेदारी में आयोजित समारोह में शामिल होकर वापस आ रही थी। घटना के बाद चालक डीसीएम छोड़कर भाग गया। अतरौली थाना क्षेत्र के फतेहनगर निवासी अनिल कुमार की पत्नी गुड़िया देवी उम्र 35 वर्ष प्राथमिक विद्यालय उलझा में सहायक अध्यापिका थी। मंगलवार को अपनी बुआ के घर सीतापुर जनपद के पिसावा थाना क्षेत्र के बिजौली गांव में आयोजित एक समारोह में शामिल होने के लिए स्कूटी से गई थी। साथ में उनका बेटा अजय प्रताप भी था। बिजौली से वापस गांव आते समय रास्ते में प्रतापनगर सीतापुर मार्ग पर भदहा गांव के पास डीसीएम ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से गुड़िया और उसका पुत्र सड़क पर जा गिरे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएससी पहुंचाया, जहां गुड़िया को मृत घोषित कर दिया गया। कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है, डीसीएम पुलिस के कब्जे में है, चालक की तलाश की जा रही है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एक और लापरवाही निकलकर सामने आई है, जहां मरीज तड़प रहे हैं लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर्फ नाम के लिए सुर्खियां बटोरने के लिए नए नए कक्ष का लोकार्पण आए दिन किया जा रहा है। अगर हम बात करें मरीजों के इलाज की, तो इलाज केवल नाम के लिए हो रहा है। अस्पताल के प्रबंधक अस्पताल से ज्यादा अपने निजी अस्पताल में समय दे रहे हैं, तो हाल यही होना है। वीडियो के माध्यम से आप खुद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का आकलन कर सकते हैं। आइए सुनाते हैं संबंध में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों के परिजनों ने वहां की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा है। नमस्कार सर, ये मेरा पर्चा है। हम लोग सतना जिला, अभी तो मैहर जिला हो गया, पाटन विधानसभा से आए हुए हैं। हमारे पिताजी हैं, ये कंडीशन है, नली लगी हुई है, बाथरूम नली लगी हुई है और कल से हम परेशान हैं। कल से इनकी नली डिस्टर्ब हो गई है, बाथरूम की जगह से पूरा ब्लड निकल रहा है। कल रात 12 बजे से हम लोग यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट रीवा में लाए हुए हैं पेशेंट को।
अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब हम लोग उनको लेकर के वापस घर जा रहे हैं। मृत्यु तो परम सत्य है दुनिया का, उससे कोई बच नहीं सकता, कोई छूट नहीं सकता है। लेकिन यहाँ बहुत ही भ्रष्ट लापरवाही और डॉक्टर लोग हैं, बहुत ही भ्रष्टता का काम चल रहा है, इसकी जल्द से जल्द जाँच कराई जाए। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।